हरियाणवी हो गए थे, यहाँ आए तो राजस्थानी हो गए हैं। राग अलापने से नहीं होना है, मेरी चुनौती आप सबके माध्यम से कि वो अपने 31वें वोटर का नाम बता दें, 32वें का बता दें, 33वें का बता दें और एक गलतफहमी दूर कर लें। थोड़े दिन 7-8 दिन झूठ ना बोलें सर, लेकिन एक मिनट 7-8 दिन ना बोलें। ये हमारे यहाँ कोई 1-2-3 नहीं है, हमारे यहाँ तीनों प्रत्याशी बराबर हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम और सचिन जी बुधानिया जी भी तो अभी आ रहे हैं, तो ये क्या लास्ट डेडलाइन है कि इसके बाद आप किसी को उदयपुर में घुसने नहीं देंगे? खैर आप कर सकते हैं, आपके लिए संभव है, ये मैं मार्जिन देता हूँ आपको। लेकिन एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस यूनाइटेड है, कांग्रेस एक है, कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी पहले राउंड में जीतेंगे। अब आप देख लीजिए। अब एक एक आप नाराजगी किससे जाहिर की, जरा कुछ नाम बता दें आप मुझे। गिरिराज मरिंगा ने जाहिर किए, उन्होंने बयान दिया कल शाम को भिवाड़ी में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की टिकट इस बार जो लेगा वो हारेगा। उन्होंने मुझसे ये कहा, राज्यसभा में तीनों प्रत्याशी भरपूर समर्थन के साथ जाएंगे, अब बोलिए। लेकिन संदीप यादव ने भी कह दिया ना कि हमें दिया क्या, इनाम में मिला क्या है हमें, वो आप उनसे पूछते रहिएगा। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि वोट डालेंगे। अब लोगों की जो बात है, जो मांग है, जो क्षेत्र के जो हम डिजायर देते हैं मुख्यमंत्री जी को, वो स्वयं बिना कुछ कहे उस डिजायर पे ही पहले ही कार्य कर देते हैं। मैं खुद अपना बताना चाहता हूँ आपको, मेरी जो नदवई विधानसभा है, जो 60 साल में जो कार्य नहीं हुए वो कार्य 3 साल में मैंने करके दिखा दिए, और उस सब का श्रेय अगर किसी को जाता है तो मुख्यमंत्री जी को जाता है। कि उन देखिए, कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार, और मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों के तीनों, जिनको हमारे हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री अशोक गहलोत साहब जो हमारे बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो चयन किया है, निश्चित तौर पर तीनों के तीनों यहाँ से जीत के राज्यसभा में जाएंगे। जो नाराज लोग हैं उनको किस तरह से ऐसे मना मना के एक एक नेताओं को जिम्मेदारी दी गई? अब ज़्यादा नाराज़गी तो मुझे जो लगता है, जैसे हम साथी आपस में बात करते हैं तो कहीं दिखती नहीं, लेकिन अब मीडिया से ही बातें निकलती रहती हैं, पता नहीं किस तरह से कौन साथी क्या। का आज एक बयान आ गया, मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा बोलते काम नहीं कर रहे हमारा, हमें कुछ मिला नहीं है। अब देखिए, इसका जवाब तो राजेंद्र गुड़ा जी ज़्यादा दे पाएंगे, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि राजेंद्र गुड़ा जी मुख्यमंत्री जी के बहुत विश्वासी लोगों में, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा, अभी थोड़ा गर्मी का मौसम है, धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे। लेकिन एक बात आई, ये क्या ऐसा मौसम होता है जो बार्गेनिंग किया सके अपनी बातों को लेकर, सरकार को जो भी जिम्मेदार है उसको थोड़ा सा मोबिलाइज कर सके, झुका सके, ऐसा लगता है? देखिए, जो आपका प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों की जो उपज है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। यहाँ नहीं, आपकी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं मैंने आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के सवाल, मैंने आपके सवाल को नहीं कहा, इस तरह के सवाल वो लोग करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-3.5 साल के कार्यकाल में कहीं कोई बार्गेनिंग जैसी और इस तरह की बात, हम 6 साथी जीते थे बसपा से, हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी में विलय किया, मुख्यमंत्री जी को देख के किया, उनके जो कार्य हैं उनको देख के किया, उनकी कार्यशैली को देखते किया हुआ, प्रदेश में जो विकास कार्य आज हो रहे हैं, आज जिस तरह के बजट दिए जा रहे हैं, चाहे मेरा क्षेत्र हो, खुद का नदवई विधानसभा, ये सारे हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, हमारा पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, और हम उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। आज जो 3 उम्मीदवार हमारे आए हैं, तीनों के तीनों बहुत वरिष्ठ हैं। अभी श्री प्रमोद तिवारी जी आपके साथ गए, CLP लीडर रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और लगातार 7 बार वो जीते, मुझे भी उनके साथ में 5 बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव रहने का मौका मिला। इसी तरह श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब हैं, उनके साथ यूथ कांग्रेस में मुझे काम करने का मौका मिला। इसी तरह हमारे बहुत वरिष्ठ साथी श्री मुकुल वासनिक जी हैं, जो हमारे यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं, सारे सीनियर लोग हैं। अब ये तरह तरह की पता नहीं कहाँ से बातें आ रही हैं, कोई बाहरी आ गया, कोई कुछ आ गया, इस तरह का कुछ नहीं है। 126 की होनी चाहिए, अभी तक 75 ही पहुँचे, 126 से ऊपर पहुँचेंगे जिस दिन चुनाव होगा, आप देख लीजिए। विधायकों का क्या रुख है? अब सब लोग आ रहे हैं, सब हैं, वो माननीय जो हमारे हाईकमान है कांग्रेस पार्टी का, सबके उन्होंने